देखिए यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कशन। क्लियर है, तैयार हो अच्छे से? तो सबसे पहले ये बता दो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या और कुछ इसका दूसरा नाम है? हाँ, बताइए कौन बताए? हाँ बताओ, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। एक्चुअली ये आया कहाँ से? तो कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या बोल सकते हो? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को क्या बोल सकते हो? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप क्या बोलोगे बताइए? फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। अच्छा चलो, इसकी पहचान होती है, और पहचान दो तरीके से। इंग्लिश वाले सेंटेंस को देखकर कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसे बताओगे आप? चलिए बताइए। हाँ, विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन, और इसके साथ में क्या रहेगा? हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी रहेगी। अच्छा, एक और रहता है हिंदी में सर, सीन से फॉर भी लगा रहता है ना। चलिए ठीक है, आप बता दो हिंदी में पहचान बताओ। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और रही होंगी, ये कहाँ रहेंगे? सेंटेंस के लास्ट में रहते हैं, है ना। लेकिन इसके साथ में एक चीज और पहचान होती है इसकी, प्लस टाइम। एक चीज याद रखना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। और जब इसमें टाइम दे दिया जाए, जैसे मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसी में टाइम ऐड कर दो, मैं 2 बजे से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर है ना? चलो फिर अगला क्वेश्चन बताओ, ये बताइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए क्या लगेगा? सेंस या फॉर लगेगा, है ना। तो सेंस कहाँ पर लगता है? डिफिनिट टाइम के लिए कि इनडिफिनिट टाइम के लिए? आप बताओ, डिफिनिट टाइम के लिए। आप बताओ कैसे पहचानेंगे कि वो डिफिनिट टाइम है? सर हाँ? वहाँ पे इयर्स के नेम हो जाएंगे, मंथ के नेम, और क्या मतलब ऐसे सीधा बोल सकते हैं। हाँ, जहाँ पर नेम दिया गया या जिनकी गिनती ना कर सके, जहाँ पर नेम हो, और दूसरा नंबर ऐसे समझ लीजिए जो कोई फिक्स चीज हो, है ना। अब नेम किसका हो, डेट हो, है ना, डेज नेम हो, मंथ्स नेम हो, ईयर नेम हो, है ना, यही रहता है। तो वहाँ क्या लगता है? सिंस लगता है। क्लियर है? और फॉर कहाँ लगता है? जब इन सबकी गिनती में बात होने लगे, है ना, जैसे 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 महीने से, 2 साल से। चलो अब मैं पूछूंगा और आप लोग को बताना रहेगा। पहले आप बताओ सुबह से इसको क्या बोलेंगे? सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग? सुबह से। हाँ बताइए, सिंस मॉर्निंग होगा। आप बताओ शाम से? सिंस इवनिंग होगा। आप बता दीजिए रात से इसको क्या बोलेंगे? रात से। सिंस नाइट होगा। अब रात ऐसे तो गिनते नहीं, मैं 10 रात से काम कर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। क्लियर है ना? अच्छा, दोपहर से क्या होगा? दोपहर से, हाँ बताइए। सिंस आफ्टरनून, कल से, बीता हुआ कल से, मतलब कल से जो कल बीत गया। सिंस यस्टरडे, परसों से। डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए परसों की इंग्लिश क्या होगी? डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर है? चलो और बताओ समय के साथ, है ना, जैसे 2 बजे से इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ बताइए। क्या सर? 2 बजे से सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock बोलेंगे, है ना। मैं कह दूं 12 बजे से? सिंस 12 o'clock। अच्छा, ऐसे अगर कह दिया जाए शाम 4 बजे से, इसको कैसे बोलेंगे? सिंस 4 p.m। देखो शाम के लिए p.m. होता है, मैं कह दूं, आप बता दो सुबह 6 बजे से? सिंस 6 a.m. है ना सुबह के लिए। अच्छा मैं कह दूं संडे से क्या होगा? सिंस या फॉर? संडे से। सिंस संडे या फॉर संडे? सिंस संडे होगा। चलो ट्यूजडे से क्या होगा? सिंस ट्यूजडे या फॉर ट्यूजडे? सिंस ट्यूजडे होगा। अच्छा तारीख के लिए, जैसे मैं कह दूं 1950 से क्या होगा? 1950 से। सिंस 1950 या जो फॉर 1950? सिंस होगा, क्योंकि डेट का नेम है ना। अच्छा जैसे मैं कह दूं जन्म से?
सिंस बर्थ है ना, शुरुआत से, सिंस बिगनिंग बचपन से, इसको कैसे बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड, तब से, सिंस देन, तब से को क्या बोलेंगे, सिंस देन, कब से, हाँ इधर, कब से, सिंस व्हेन, या हाउ लॉन्ग बोल सकते हो ना। अच्छा ये बता दो, बता दो काफी समय से, इसको कैसे बोलेंगे, काफी समय से, सिंस लॉन्ग, क्लियर है। चलो एक आप बताना, मैं कह दूं ऐसे 10 मार्च से, इसको कैसे बोलेंगे, सिंस 10 मार्च या फॉर 10 मार्च, सिंस 10 मार्च है ना। मैं कह दूं अप्रैल से, सिंस अप्रैल। अच्छा फॉर का यूज कहाँ होता है, इंडिफिनिट टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पर ऐसे काउंटिंग, जैसे मैं कह दूं 10 घंटे से क्या होगा, फॉर 10 आवर्स होगा, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, एक घंटे से, फॉर एन आवर, एक घंटे से, इसको क्या बोलेंगे, फॉर एन आवर। चलो मैं कह दूं 10 दिनों से, आप बताइए 10 दिनों से, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज, 10 महीनों से, फॉर 10 मंथ्स, ऐसे लगा देना है ना। चलो अगर मैं कह दूं ऐसे 12 सालों से, इसको कैसे बोलेंगे, सिंस 12 इयर्स, नहीं ईयर का काउंटिंग हो रहा है ना, 12 सालों से, तो फॉर 12 इयर्स होगा, क्लियर है। अच्छा एक चीज याद रखना, काफी समय से, इसको फॉर से भी बोला जा सकता है, सिंस, काफी समय की इंग्लिश दो होती है, एक तो फॉर अ लॉन्ग बोल दो आप, तो या तो सिंस लॉन्ग, अगर फॉर लगाना हो तो फॉर अ लॉन्ग बोलो काफी समय के लिए, अगर सिंस लगाना हो तो सिंस लॉन्ग बोलो, क्लियर है। अब मैं एक सेंटेंस पूछूंगा, बताओगे आप लोग, अगर मैं सिंपल से पूछूं, मैं, अच्छा एक चीज और है, आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल हैव बीन या बिल हैव बीन, क्या लगेगा, आई और बी के साथ सेल हैव बीन, हाँ बताओ, आई और बी के साथ में सेल हैव बीन और बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, बिल हैव बीन, तो चलो बताओ पहले कौन बताएगा, आप बताओगे, आप पहले आप बताओगे। चलो मैं कह दूं मैं 2 बजे से पत्र लिख रहा हूँ, नहीं नहीं लिख रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात है ना, बताइए, आई सेल हैव बीन पत्र लिख रहा हूँ, राइटिंग अ लेटर सिंस 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, अगर 2 बजे से हो तो सिंस 2 o'clock मान लीजिए, ऐसा हो 2 घंटे से, तो फॉर फॉर 2 hours, क्लियर है। आप बताइए हम आधे घंटे से ना दौड़ रहे, नहीं हम आधे घंटे से खेल रहे होंगे, रुक रुक अब बताओ, ट्राई करो, हम आधे घंटे से खेल रहे हैं, बी के साथ क्या लगता है, नहीं सेल, आई और बी, बी सेल हैव बीन प्लेइंग प्लेइंग आधे घंटे से, अरे फॉर हाफ एन आवर, हाँ फॉर हाफ एन आवर, मतलब इसका हो जाएगा बी सेल हैव बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस पूछूं, चलो आप बताओ, मैं कह दूं राजीव सुबह से खाना नहीं खा रहा है, राजीव सुबह से खाना नहीं खा रहा है, राजू की राजीव 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 रुको एक एक लोग बोलो, चलो आप बोलो, राजीव 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 नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंग मॉर्निंग। अभी हम एक गलती कर दी है ना, बिल के बाद नॉट लगेगा, राजीव बिल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस सुबह से है ना, तो सिंस मॉर्निंग कर दो, क्लियर है। अच्छा अब बता दो, बिल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वोंट बोलेंगे, सेल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेंट। अब एक सेंटेंस आप बताना इंटरोगेटिव में पूछ रहा हूँ, मैं कह दूं क्या राधा है ना शाम से नहीं सो रही होगी, विल राधा हैव बीन स्लीपिंग, है ना, क्या राधा शाम से सो रही होगी, सिंस इवनिंग, हाँ तो देखो
सेंस सिब्लिंग, क्या राधा शाम से सो रही होगी, तो इसका होगा विल राधा हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए क्या राधा शाम से नहीं सो रही होगी, विल राधा नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। इसको एक तरीका और है, आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, वोंट राधा हैव बीन, है ना, स्लीपिंग सिंस इवनिंग। क्लियर है? चलो एक सेंटेंस और पूछूं, बताओगे? चलो मैं कह दूं कि आपकी मम्मी, है ना, आपकी मम्मी 1950 से क्या पका रही होंगी। बताइए। तो अभी क्या, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए ना तो उसकी इंग्लिश पहले करना है। तो व्हाट, है ना, व्हाट विल, क्लियर, योर मदर हैव बीन कुकिंग, हैव बीन कुकिंग और सिंस 1950। आज पूछना जाकर, क्लियर है? चलो आप बताओ, आप बताओ, आपसे मैं पूछूं, बचपन से कौन रो रहा होगा। रुको रुको, आप पहले बताओ, बचपन से कौन रो रहा होगा। Who will have been crying since childhood? Who will have been crying since childhood? आप बता दो कि, अब बताइए, बचपन से तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा होगा। हाँ, कौन कर रहा होगा इंतजार को वेट बोलते हैं। Who will have been waiting for you since childhood, है ना, तो इसका हो जाएगा Who will have been waiting for you since childhood। तो आई होप क्लियर है ना, पूरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, क्या सर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस ये तो फॉर्मेट है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब वही जो विल हैव बीन या शैल हैव बीन, यही हेल्पिंग। तो नॉर्मली विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज आई और बी के साथ, और बाकी सबका यूज विल हैव बीन के साथ, बाकी सबका यूज विल हैव बीन के साथ, बाकी सब के साथ में विल हैव बीन का यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी। समय के लिए क्या लगेगा, सीन्स। डिफिनिट टाइम के लिए फॉर, अरे सीन्स, इनडिफिनिट टाइम के लिए फॉर। तो क्लियर है इतना, थैंक यू।